हेलो भाई लोग, कैसे हो? अभी अभी रिजल्ट आया ना जेई मेन्स का, तो बहुत लोग ऐसे बहुत निराश होंगे। एंड टेलीग्राम ग्रुप जो हमने बनाया है तो उसमें बहुत बहुत लोगों से सुनने को मिल रहा है कि रिजल्ट आ गया, ख़राब चला गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, मतलब मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। एंड लोगों ने ऐसा मना करा कि इस टाइम पर कौन ही वीडियो देखेगा। मुझे पता है कि बहुत लोग एकदम बेचैन हो कि यूट्यूब पर सर्च करो कि जेई मेन्स ख़राब चला गया तो क्या करें। तो मैं एकदम बहुत प्राइम एग्जांपल मैं हूँ, मेरा बहुत गंदा जेईई मेन्स चला गया था, ठीक है ना। बट लाइक कॉलेज में आने के बाद जो मैंने सीखा वो तुमको बताऊँगा। मैंने छोटा सा बात यही है, तुमको शायद थोड़ा कुछ सीखने को मिले मेरे एक्सपीरियंस से। मेरे हिसाब से ना कोई भी एग्ज़ाम तुम देखते हो ये जेईई टाइम पर, तो तुम बहुत ही पीयर प्रेशर में रहते हो, साथ वाले परिवार वाले सबका प्रेशर रहता है कि इसका अच्छा हो गया, इसका ख़राब हो गया। या देखो 15 लाख लोग या 10 लाख लोग कोई पेपर दे रहे हैं तो किसी ना किसी का अच्छा जाएगा, किसी ना किसी का ख़राब जाएगा। तुमको ये देखना है कि तुमने अपना एफर्ट दिया क्या, क्या तुमने उतना एफर्ट अपना डाला था जितना तुमको डालना चाहिए था उस चीज़ के लिए। अगर डाला था बहुत, तुमने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया था इस पेपर के लिए, फिर भी ख़राब हो गया तो कुछ नहीं कर सकते थे, राइट? तुमने जो अपना एफर्ट किया, तुमने उसको पूरा अच्छे तरीके से ईमानदारी से किया, अब वो ख़राब चला गया, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो दिन तुम्हारा ख़राब था, राइट? तो तुम उसमें कुछ कर नहीं सकते, जो हुआ वो हुआ। एंड अगर तुमने एफर्ट नहीं डाला है तो जो तुम्हारे बाकी बचे हुए पेपर्स हैं, जो कुछ प्राइवेट कॉलेज के पेपर है, बिटसेट हो गया, MIT का पेपर हो गया, VIT हो गया, WBJEE वगैरह, जो जो भी पेपर्स होते हैं ना, उन सब में अपना एफर्ट सारा डाल के देख लो इस बार कि वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। एफर्ट एक बार पूरा करके देखो, ठीक है ना? हर कोई सेम होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ जिसका जेई मेन्स में अच्छा आ गया 99 आ गया वो विनर हो गया, और जिसका 95 आ गया वो लूज़र हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बस अभी का जो फेज़ होता है ना जेई वाला फेज, उसमें लगता है ऐसे कॉम्पिटेटिव नेचर की यार मेरा ख़राब हो गया, इसका अच्छा है मेरे से। इन लॉन्ग रन ना कुछ काम नहीं आता, कुछ याद नहीं आता, ठीक है ना? एक कॉलेज में जाते हो तुम, कॉलेज में अपनी डिग्री पूरी करते हो, साथ में अच्छी प्लेसमेंट लेके निकल जाते हो इस कैंपस। जैसे मैं बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस में हूँ, मैं यहाँ लोगों को जानता हूँ जिनके 99% आए थे, और मैं उनको भी जानता हूँ जिनकी 86% आए थे। दोनों यहाँ पे सेम ब्रांच में हैं। इन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि 86% वाला जो है 99% से अच्छा कर रहा है, क्योंकि यार एक पेपर, एक दिन, 3 घंटे, तुम्हारा पूरा एफर्ट, तुम्हारा पूरा लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता है, राइट? तो वो चीज़ को एकदम बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि तुम्हारा पेपर अच्छा गया है, ख़राब गया है। जिसका अच्छा गया यार बहुत बढ़िया तुम्हारे लिए, है ना, ऑल द बेस्ट। जिसका ख़राब गया वो किसी और करने पड़ेगा यार, उसके इंजीनियरिंग की डिग्री ख़त्म करने में उसको थोड़े पैसे ज़्यादा देने होंगे, है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि NITs या फिर IITs में ही बाकी देश के जो लोग हैं सारे सक्सेसफुल लोग वहीं से निकल रहे हैं, बाकी जगह से भी निकल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जगह ही एकदम ऐसे है। और बिट्स पिलानी तो ऐसे लोगों से भरा ही हुआ है जो लोग IIT के रिग्रेट में आए थे, क्योंकि जब तुम्हारे फेज में होते हो ना, जब हम भी तुम्हारे फेज में, तो हमको इतना बुरा लगता था ना कि यार JEE ख़राब हो गया, मेरा IIT ख़राब हो गया, मेरे JEE मेन्स ख़राब हो गया, ये सब। तो वो फेज से ही लोग रिग्रेट कर करके बिट्स में ही आते हैं, ठीक है? और बिट्स पिलानी की जो 80% जनता वो रिग्रेट में ही रहती थी स्टार्टिंग में, जब हम लोग आए थे फर्स्ट ईयर में। बात हमारी इसी चक्कर में होती थी कि यार तेरा JEE मेन्स कैसा था, तेरा ये कैसा था, तेरा वो कैसा था। अब जब सेकंड ईयर ख़त्म होने वाला है तो कुछ याद नहीं रहता कि JEE मेन्स कैसा था, बिट सेट कैसा था। अब सबको रहता है कि सेमेस्टर अच्छा चला जाए, CG अच्छी आ जाए, प्लेसमेंट कैसा लग रहा है सीनियर्स का, ये सब। तो तुम्हारे ऐसे प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, तुम्हारा लाइफ को देखने का तरीका बदल जाता है, तुम्हारा नज़रिया बदल जाता है लाइफ को देखने का, ठीक है? तो वो मतलब मेरे को बताना था ये छोटी सी चीज़ की तुम यार ऐसे होप मत हारो। JEE मेन्स ऐसे बहुत ही फुद्दू सा पेपर है, किसी का अच्छा चला गया, किसी का ख़राब चला गया। तो जो जिसका अच्छा गया उसका बहुत अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन, बट अपने आप को तुम तोप मत समझने लगना कि तुमने ऐसे दुनिया का कुछ बहुत ही बड़ा तीर मार लिया। क्योंकि इफेक्टिवली देखा जाए ना, तो तुम जो भी ये JEE मेन, JEE एडवांस, बिट सेट जो भी दे रहे हो ना, काम क्या है इसका? काम इसका ये है कि तुम एक कॉलेज में एडमिशन पाते हो। तुम सक्सेसफुल कितने होते हो ना, वो उस कॉलेज में जाने के बाद तुम 4 साल 5 साल क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, क्या सीखते हो उस कॉलेज के अंदर, उसके बाद तुम्हारा सक्सेसफुल होना या तुम्हारा फेलियर होना देखा जाता है, ठीक है ना? सिर्फ एडमिशन मात्र से तुम पैकेज नहीं लेके चले जाते हो। जो अखबार में पैकेज निकलता है ना कि IIT कानपुर से इस बार एक बंदे को 2 करोड़ मिला, वो खबर निकलती है, बट IIT कानपुर से इस बार 400 बच्चे बेरोजगार रह गए वो खबर कभी नहीं निकलती है, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो 400 बच्चे, या मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं जिनका प्लेसमेंट नहीं लगा वो बिल्कुल फेलियर ही है। तो वो हर जगह अप्लाई होता है, जिनका अच्छा होता है उनको ये और अच्छी बात है, पर जिनका ख़राब हो रहा है वो लोग भी कुछ ना कुछ लाइफ में कर ही लेते हैं,
ठीक है ना, बहुत सारा ऑप्शन है आजकल तो यार, इतना सारा प्राइवेट कॉलेज जो उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है आजकल तो, ऐसा हो गया यार, पहले का टाइम में रहता था कॉलेज मैटर करता है, अब तो यार तुमको अगर मेरिट आता है, तुमको अगर कोडिंग आती है, तुमको अगर स्किल आता है कोई भी, उस केस में तुम्हारा कॉलेज ही मैटर नहीं करता। बहुत लोग ऐसे खुद से ही खुद के दम पे इतना सा कर लेते हैं कि स्टार्टअप कर लेते हैं, बहुत ऐसे, इंटरनेट की दुनिया बहुत आसान हो चुकी है, तो तुम्हारा वो बैरियर खत्म हो चुका है, तो उतना चिंता करने की बात नहीं है यार। मैं रात को ये 2:30 बजे वीडियो इसलिए बना ही रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं उस टाइम पे किस फेज से गुजर रहा था, तो मैं नहीं चाहता कि जो लोग भी ऐसे, अगर एक बंदे का भी इस वीडियो से फायदा हो गया ना, तो यार मेरे को लगे कि मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो गया। तो यार चिंता मत करो यार, मतलब मेरे को देख लो, मेरा भी बहुत गंदा जेई मेंस गया था, ऐसे बना रहा हूँ ना, ज्ञान दे रहा हूँ ना तुमको, तो आसान है यार, कुछ कुछ ऐसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, जेई मेंस ही खराब हुआ है, बहुत सारा पेपर अभी बाकी है, तो उस पर ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। बहुत सारे लोग जेई मेंस खराब करते हैं, बट जे एडवांस अच्छा करके फिर IIT चले जाते हैं, बहुत लोग जेई मेंस, सोचो तुम NIT जाने से बच गए ऐसा सोच लो तुम, और फिर तुम बिट्स आ सकते हो, IIT जा सकते हो, ऐसा सोच लो, है ना, बिल्कुल अपना बेस्ट शॉट दो, ऐसा सोचना ही नहीं है, सेकंड ऑप्शन ही नहीं तुम्हारे पास, ऐसा सोचो। दूसरा ऑप्शन रहता है ना कि NIT अगर मेरे पास है तो तुम थोड़ा एफर्ट कम डालते, बट तुम्हारे पास सोच लो कि NIT का ऑप्शन ही नहीं है, उस चक्कर में सारा अपना एफर्ट जो भी तुम्हारे अंदर एनर्जी बचा हुआ है ना, सारा एनर्जी डाल दो, 2-3 महीने जो भी बचे हुए तुम्हारे, 1.5-2 महीने, और पूरा एफर्ट डाल के देखो कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ सीखे कि नहीं सीखे। मेहनत करना तो पक्का ही सीख जाओगे, एंजॉय इंसान मेहनत करना सीख जाता है ना, वो इंसान लाइफ में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तुमको लाइफ में कोई भी काम हो, कोई भी जॉब हो, कोई भी डोमेन हो, कुछ भी करना हो, मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये एक बहुत ही छोटी सी बात है बट बहुत ही फैक्चुअल बात है, तो मेहनत करने से नहीं घबराना है। एंड इन दौरान JEE के प्रिपरेशन के दौरान एक ही चीज़ तुम सीखते हो, वो है मेहनत करना, तो उस चीज़ को ईमानदारी से करो, मेहनत करो, फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा, खराब मिलेगा, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, ठीक है ना, इसलिए फल की चिंता किए बिना काम करते रहो। ऑल द बेस्ट यार, कुछ सोचने की बात नहीं, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समस्या हो, मेरे तक तुम मेरे से सीधा बात कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे मेरा मैं हूँगा, उधर मेरे को PM कर दो, तुम मेरे को ऐसे कमेंट कर सकते हो, मैं तुमको रिप्लाई करूँगा, क्योंकि ऐसा कुछ चिंता की बात नहीं है यार, मैं हूँ तुम्हारे साथ बात करने के लिए, अगर तुमको थोड़ा सा भी दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा, तुमको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, है ना, मैं बात करूँगा तुमसे, ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।